अगर हम बात करें पाई पाई की देखो वैल्यू पुट कर देते हैं हम पाई की की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 .14, 3 .14 into R into L की बात करें तो एल इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्र प्लस एस स्क्र एल इज स्लैंट हाइट होता है स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एस स्क्र होता है इज इक्वल टू वन एटी एट पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर

आर स्क्वायर प्लस देखो ही की वैल्यू आठ मीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में हाइट आठ मीटर है तो आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 60 के इक्वल आएगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि आर की पावर चार आर की पावर चार प्लस 64 आर स्क्वायर देखो 60 नहीं हो गए 3 100 हो जाएगा 60 का हमने स्क्वायर कर दिया 3600 आ गया is equal to 3600 तो अब हम कह सकते हैं कि r की पावर 4 plus 60 minus 3600 is equal to zero तो यहां से अगर हम 64 r के फैक्टर कर लें तो r की पावर 4 r की पावर 4 plus 100 r देखो फैक्टर 100 r स्क्वायर minus 36 r स्क्वायर हो जाएगा minus 3600 is equal to zero तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वेयर को हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्र प्लस हंड्रेड आ गया माइनस थर्टी सिक्स यहां से कॉमन लेंगे तो आर स्क्वेयर प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो तो यहां से हमारे पास आ गया आर स्क्वेयर प्लस हंड्रेड को दोबारा से हम कॉमन ले लें तो आर स्क्र माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो आर स्केर की दो वैल्यूज पॉसिबल है आर स्केर इज इक्वल टू या तो आर स्केर प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो होगा तो आर स्वेर की वैल्यू माइनस का हंड्रेड आएगी या फिर स्क्र माइनस थर्टी सिक्स इज टू जीरो होगा तो आर स्क्र इज इक्वल टू प्लस का थर्टी सिक्स आएगी तो ये वैल्यू तो देखो माइनस की नेगेटिव वैल्यू आर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगी आर स्क्र इज इक्वल टू थर्टी सिक्स है तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सिक्स और यूनिट क्या है हमारे पास मीटर है आर इज इक्वल टू सिक्स मीटर तो देखो अब वॉल्यूम हम आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ़ का हमारे पास पाई और पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय देखो क्या है ये मीटर क्यूब हो जाएगा तीन से काट देते हैं देखो तीन से ये चला, जा, चला जाएगा टू इंटू सिक्स करेंगे 12, 12